फ्रेंड्स, आपके दोस्त को आपके मोबाइल में गेम खेलना है या किसी को कॉल करना है, आपने अपना मोबाइल उसको दे दिया है, फिर आप कहीं और चले गए और आपके जाने के बाद वो आपके मोबाइल में कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ भी चला सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। तो इससे बचने के लिए एक छोटी सी सेटिंग है जिससे आप अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हो। तो आज आपको यही सिखाया जाएगा। आज की वीडियो में आपको स्क्रीन पिनिंग के बारे में सिखाया जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग को ऑन करने के बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में हम क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे और नीचे हमें मिलेगा स्क्रीन पिनिंग। ये देखो, आप ऑप्शन देख सकते हो स्क्रीन पिनिंग। तो इसको हम सिंपली ऑन कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आस्क फॉर पिन बिफोर अनपिनिंग। तो इसको भी हम ऑन कर देंगे। अब मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन पिनिंग ऑन करने का फ़ायदा क्या हो सकता है। अगर आपका दोस्त आपका मोबाइल यूज करने के लिए लेता है और वो कहता है कि मुझे कैमरा यूज करना है या किसी को कॉल करना है और आप चाहते हो इसके अलावा वो कुछ कर भी ना पाए इसमें, तो आप इसके लिए स्क्रीन पिनिंग को ऑन रख सकते हो। तो अगर मेरा दोस्त मुझे बोले कि मुझे किसी को कॉल करना है, तो मैं अपना मोबाइल उसको देने से पहले सबसे पहले अपने सारे ऐप्स को इस प्रकार से खोलूँगा और यहाँ पर ये जो नीचे पिन का निशान दिख रहा है इसको दबा दूँगा और वो सिर्फ इसको ऑन करके सिर्फ कॉल कर पाएगा। अब मैंने इसको पिन कर दिया है, आप इससे आसानी से कॉल कर सकते हो या इसको यूज कर सकते हो, बट इससे बैक नहीं जा सकते एंड इससे कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको बैक जाना है तो नीचे के ये दो बटन है, इसको एक साथ में आपको दबा के रखना पड़ेगा और उसके बाद में आपके मोबाइल का जो पिन है वो आपसे मांगेगा। आप अपने मोबाइल का पिन लगा दोगे, आपका मोबाइल अनलॉक अपने हाथों से आप कर लोगे, उसके बाद में स्क्रीन पिनिंग का जो लॉक है वो अनलॉक होगा और आपका मोबाइल सेफ रहेगा। आपका दोस्त आपके मोबाइल में और कुछ यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने पिन करके दिया है उस ऐप को जिसको वो यूज करना चाहता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।